Hello, student, welcome back to Nationalism in Europe. And the topic is Strange Case of Britain. Her question is, What is so strange? And we were doing about unification, and herein, I'll tell you what. Unification, we were talking about nation state. Herein, it's real difficult to find out ki whether it is a unification or a conquest or a planning. English planning. This is bada strange. Isliye hai. Uh, because I have heard England, I have heard Wales, I have heard Scotland, I have heard Ireland. But when I say United Kingdom, it becomes a new word. When I say British Isles, it becomes a new word. See, British Isles is nothing but these island group. And then when I talk about United Kingdom (UK), it not only means England; it means Scotland, England, Wales, and Ireland. तो ये इसीलिए स्ट्रेंज केस है कि ये यूके कैसे बना और कब बना समझे तो यहाँ पे भी एक यूनिफिकेशन है बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड अब देखते हैं बहुत सिंपल सी चीज सी दिस एरिया ब्रिटिश आइल्स हियर इन देवर फ्यू आइडेंटिटीज हुआर लिविंग सो इट वॉज नॉट डोमिनेटेड ओनली बाय द इंग्लिश पीपल सो इंग्लिश पीपल यूज टू लिव इन इंग्लैंड वेल्स पीपल यूज़ टू लिव इन वेल्स स्कॉट इन स्कॉटलैंड एरिया एंड आयरिश पीपल इन आयरलैंड तो ये पाँच अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन ग्रुप्स हैं वन यू नो वन ऑफ दैम स्टार्टड बिकमिंग वेरी डोमिनंट बिकॉज दे बिकम रिच हाउ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन दुनिया के आधे से ज़्यादा कंट्री पर वो रूल कर रहे हैं देर सर नेवर सेट तो बहुत पैसे वाले थे तो ये ऐसा सोच लीजिए कि आपके ग्रुप में एक बहुत बंदा है जो बहुत भुली करता है वो सबको डोमिनेट करेगा ही तो यहाँ पे इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा है अब कैसे कर रहा है वी आर गोइंग टू सी सी इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ एंड इम्पॉर्टेंस हाउ आई टोल्ड यू ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन मोर एंड मोर पावर केम बिकॉज मोर एंड मोर मनी वॉज फ्लोइंग इन फ्रॉम द कॉलोनीज इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन सिक्सटीन एटी एट प्लीज अंडरस्टैंड बाई सिक्सटीन एटी एट देड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट येस दे हैड मोनार्क बट ओनली फॉर द नेम्स एक आज भी तो हैं बट ओनली फॉर द नेम सेक पर सिक्सटीन एटी एट में तो कुछ था भी नहीं तब से वो मोनार्के हैं दे आर सो इंटेलिजेंट दैट्स वॉट वी नीड टू लर्न दे ऑलवेज बिलीव इन टॉकिंग ऑन टेबल जो हम नहीं चाहते हम हमेशा लड़ना चाहते हैं ना देवर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग यू के वाई वॉट दे डिड एट द एंड ऑफ सिक्सटीन एटी एट और एट द एंड ऑफ सेवनटीन सेंचुरी विद एन प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट दे ब्रॉट स्कॉटलैंड इन टू इंग्लैंड और रेदर दे कम्बाइंड दीज टू कंट्रीज टूगेदर और ये कॉम्बिनेशन को ये जो फॉर्ज हुआ कॉम्बिनेशन इसे हमने कहा एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ओ सेवन किसके बीच में साइन है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड तो एक नेशन बन गया यू के बट देन ये प्लानिंग कैसा है बहुत सिंपल से वी विल हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आई विल हैव अ पार्लियामेंट इन एडिनब्रा आपके कैपिटल में स्कॉटलैंड के साइज़ में बड़ा कौन है इंग्लैंड साइज में छोटा कौन है ऑब्बियसली स्कॉटलैंड है पॉपुलेशन कम किसकी है स्कॉटलैंड की है और स्कॉटलैंड में कौन रहते हैं कैथलिक्स इंग्लैंड में कौन रहता है प्रोटेस्टेंट्स उसके बाद भी आई वॉज एबल टू फॉर्ज एन एक्ट ऑफ यूनियन एंड वन नेशन बट ऑब्वियस बैड फेट ऑफ दीज पीपल स्कॉटिश पीपल यहाँ पर स्कॉटलैंड सफर करने लगे इन देंड ऑफ होम इन देंड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स क्योंकि वो डोमिनेटेड थे स्कॉटिश हाईलैंड व फॉर्बिडन फ्राम स्पीकिंग द गैलिक लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज थी वो उन्हें बोले बोलने के लिए ना कहा गया दे वॉबिडन इन वेयरिंग द नेशनल ड्रेस जो ये था और लार्ज नंबर ऑफ देम वर फोर्स टू फ्ली टू द हाईलैंड नॉर्दन हाईलैंड जो कि टोटली अनप्रोडक्टिव है देखिए ये क्यों हो रहा है बिकॉज द पार्लियामेंट विच इज़ फॉर्म इज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पीपल तो वहाँ पर स्कॉटिश वैसे भी कम है तो वॉट एवर रूल यू आर गोइन टू पास गेट द मेजोरिटी और इसीलिए हुई सफरिंग सिस्टमैटिकली दे सप्रेस द स्कॉटिश कल्चर पोलिटिकली दे इम्पोज देयर विम्स एंड विल ऑन देम जो हाल स्कॉटलैंड का हुआ ऐसा ही कुछ आयरलैंड में भी था सेम डिविजन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट बट प्रोटेस्टेंट्स कहाँ हैं इंग्लैंड में है और आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो कम है बट आर गेटिंग अ गुड सपोर्ट गुड सपोर्ट फ्रॉम होम फ्रॉम अ पावरफुल पार्ट दैट इज़ इंग्लैंड So I am not going to look. I am going to fight, and for fight I need to organize. So the organization which led the fight with the Britishers was led by Wolfe Tone, but then he was defeated because they are very powerful and very smart. So Wolfe Tone, with his United Irishmen in 1798, was defeated, and Ireland was forcibly incorporated in United Kingdom. 1801 में तो आप सोच लीजिए फोर्स करके फॉर्ज किया है जब फॉर्ज करोगे तो चेंज दिखेगा जब आपने एक कंट्री बना दी तब तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए ऑल वर फेवरिंग इंग्लैंड और ये कैसा हुआ अब ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्ज अब चेंजेस देखिए न्यू सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन यूनियन जैक जो इनका फ्लैग है ये फ्लैग इनका नेशनल फ्लैग हो गया अब नेशनल एंथम वो भी चेंज है गॉड सेव अवर नोबल किंग क्योंकि उस वक्त राजा थे एंड दैट्स द नेशनल एंथम ओवर देयर लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी इंग्लिश डोमिनेंट so, कौन है इंग्लिश लोग ये आपका स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का क्योंकि ये फॉर्मेशन है यूनाइटेड किंगडम का नाउ देर इज लॉट मोर इन द चैप्टर फॉर दैट यू नीड टू वेट बट यू नीड टू रिवाइज सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग Thank you.